तो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हाउ टू ऐड सर्च बॉक्स इन विंडो 10 लैपटॉप। जी हाँ, यदि आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर या पीसी है तो कैसे आप जो है सर्च बार और सर्च बॉक्स दोनों अलग अलग चीजें हैं, सर्च बार को अपने लैपटॉप में कैसे लगाएं या फिर सर्च बॉक्स को कैसे ऐड करें विंडो 10 पीसी में, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है राम के प्रजापति और आपका राम जी टेक्निकल चैनल में स्वागत है। दोस्तों, यदि आपके विंडो 10 में लैपटॉप में आपका यहाँ पर विंडो का जो सर्च बॉक्स होता है, जो सर्च बार होता है जहाँ पर हम सब कुछ सर्च करते हैं, वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ पर कैसे लगा सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में तो जानेंगे ही। और इसके साथ ही आपको मैं बोनस चीज टिप्स में बताने वाला हूँ कि मान लीजिए कि आपको यहाँ पर एड्रेस बार चाहिए। एड्रेस बार क्या होता है आप लोगों को पता है नहीं पता है? ठीक है, मैं बता देता हूँ। एड्रेस बार जैसे मान लीजिए कि ये दिस पीसी को मैं यहाँ ओपन करता हूँ, ओपन करने में थोड़ा आपको लोकल डिस्क पीसी में ले जाता हूँ। पीसी में देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे प्रोग्राम फाइल है, ओके। तो मान लीजिए कि मैंने इस प्रोग्राम फाइल को यहाँ से मैंने ओपन किया, अब ओपन किया तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ एड्रेस दिख रहा है, जैसे कि दिस पीसी, उसके बाद से लोकल डिस्क ड्राइव सी है, उसके बाद से प्रोग्राम फाइल है। इसके अलावा भी अगर मान लीजिए हम यहाँ पर जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि मुझे जाना है गूगल में, ओके, तो मैंने गूगल ओपन कर दिया तो यहाँ पर ये एड्रेस बन गया। इसको एड्रेस बार कहते हैं विंडो की लैंग्वेज में। यहाँ पर ये आपके कंप्यूटर में यहाँ पर इसको एड्रेस बार कहते हैं, अगर इस तरह से दिखाई देता है तो। एड्रेस बार में जो भी आप फोल्डर ओपन करते जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी फोल्डर के अंदर जो सब फोल्डर होता है उसको ओपन करते जाते हैं तो वो इसका एड्रेस बनाता जाता है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली अगर आपको ये एड्रेस पता है, इसमें मान लीजिए इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया सी कॉलम, यहाँ पर बैकवर्ड स्लैश प्रोग्राम फाइल्स एंड बैकवर्ड स्लैश और क्या है गूगल है, तो ये हमारा एक एड्रेस हो गया है। तो मान लीजिए इसको हम यहाँ से कॉपी करें और हमें कुछ ऐसा तरीका मालूम हो जिससे हम यहाँ पर इसको इस एड्रेस को एंटर करें, उसके बाद से डायरेक्टली हमारा जो ये वाली जो फाइल है ये ओपन हो जाए तो कितना बढ़िया होगा ना। तो ये बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर, चलिए मैं बताता हूँ, ये आप ध्यान से रखिएगा, यहाँ पर क्रोम लिखा हुआ है, यहाँ पर ड्राइव लिखा हुआ है और ये हमने एड्रेस बार को कॉपी किया है। ये बेसिकली बहुत ही बेस्ट तरीका है। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर जाते हैं, ये टूल बार का ऑप्शन यहाँ दिया गया है टूल बार, और इस पर आपको मिल जाता है एड्रेस। ये जो एड्रेस है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर उस एड्रेस को जो हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद मैं इसको इंटर करता हूँ। जैसे मैंने इंटर किया, देखिए वो सेम फाइल्स खुल गई, सेम फोल्डर खुल गया, सेम एड्रेस लोकेशन खुल गया। यानी कि ये सर्च बार बहुत ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है यदि आप अपने लैपटॉप पर काम करते हैं, घंटों पीसी पर काम करते हैं, तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड विंडो की टिप्स है जो आपको आनी चाहिए। अब बात आती है कि ये वाला सर्च बार तो ठीक है, पर मुझे तो यहाँ का सर्च बार चाहिए, हाइड हो गया, दिख नहीं रहा है, तो इसको अनहाइड कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर आपके टास्क बार पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करना है टास्क बार पर। जैसे ही टास्क बार पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये जो टूल्स बार है इसके नीचे आता है सर्च, सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर, जैसे सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि आपका आइकॉन कुछ दिख रहा है, जैसे कि हिडन, सर्च हिडन है। हमें क्या करना है, अपने विंडो 10 में सर्च को शो कराना है, तो शो सर्च आइकॉन पर क्लिक करेंगे। यदि आप जो है अपने विंडो आइकॉन में, यानी कि जो भी टास्क बार है उस पर अगर आप शो सर्च बॉक्स, सिर्फ सर्च बॉक्स ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर करा सकते हैं। सर्च आइकन और सर्च बॉक्स में अंतर होता है। यदि मान लीजिए आप लैपटॉप यूज करते होंगे तो आपको पता होगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया शो सर्च आइकॉन, तो यहाँ पर सिर्फ सर्च का आइकॉन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप से कुछ दिखेगा, ठीक है। तो ये भी कमाल का है, अगर आप चाहते हैं इस टाइप का जैसे सर्च बॉक्स यहाँ पर भी आ जाए तो उसके लिए तो आप सिंपली वहाँ पर शो सर्च बॉक्स कर सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ एमएस वर्ड, ओके, तो जैसे मैंने टाइप किया एमएस यहाँ पर ओपन हो गया। सेम लाइक दिस, अगर मान लीजिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, फिर से जाता हूँ सर्च बार में और यहाँ पर शो सर्च बॉक्स क्लिक करता हूँ, ओके, तो जैसे मैंने सर्च बॉक्स क्लिक किया तो यहाँ पर सर्च बार सर्च जो बॉक्स है वो आ चुका है। अब मान लीजिए सिंपली मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ एमएस, तो सेम लाइक दैट इसमें भी वो चीज़ें शो हो जाती है। तो यदि आप यहाँ पर सर्च बार रखते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है लुकआउट देखने में, आपके लैपटॉप का लुक और जो है अच्छा हो जाता है, विंडो का लुक अच्छा दिखता है, इसलिए रख सकते हैं। बाकी आप सिर्फ सर्च आइकॉन से भी अपना काम चला सकते हैं। तो ये था आपके लिए विंडो 10 के टिप्स, और इसी तरीके से आप विंडो 7, विंडो 8, अदर विंडो में भी आप यूज कर सकते हैं इस तरीके को, और अपने लैपटॉप में या फिर पीसी में सर्च बॉक्स को लगा सकते हैं। यदि आपको लैपटॉप में विंडो सर्च बार
ऐड करने का या फिर सर्च बॉक्स लगाने का तरीका आ गया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर कीजिए दूसरों के साथ। कमेंट अपने जरूर लिखिएगा कि आपको क्या ये वीडियो पसंद आया या फिर आपकी प्रॉब्लम दूर हुई। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।